guys, follow me on my Instagram at AutoReviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell so that whenever I post a content, you get notified. Before we get on with this video, I would like to give a huge shout out to the TR-Swan in Maruti Suzuki Nexa showroom situated in Safdarjung Enclave, New Delhi, for helping me out with this video. And I'd suggest if you have any queries regarding their cars, you can always hit them up over the call. They'll be more than happy to help you. Hey everyone, and welcome back to another video. So thank you so much, first of all, for reaching a milestone of 400 plus subscribers. And I'll still say, if you are new to my channel, consider subscribing now. And if you find this video informative, please hit that like button also. So now let's begin with the video. So today in front of us we have the newly launched Maruti Suzuki Grand Vitara. So this particular variant is the Delta variant, which is the second base variant. And you can see all its profiles. It doesn't look like a base variant from the front. And from the side, if we omit the wheels, it kind of looks like as a top variant indeed. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस गाड़ी के बारे में. सारे प्राइसेस मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए ऑलरेडी. तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट का जो प्राइस है, डेल्टा वेरिएंट इन मैनुअल ट्रांसमिशन, ये पड़ता है आपको 11.90 लाख एक्स शोरूम दिल्ली. अब चलिए हम इंजन बे की तरफ चलते हैं और बताते हैं. यहाँ पर आपको एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, विच इज़ अ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 103 पीएस की एंड टॉर्क निकालेगा 136 न्यूटन मीटर्स की. फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ली जाए तो ये जो वेरिएंट है ना, ये आपको अराउंड 19-21 kmpl का माइलेज अक्लेम करता है. बेसिकली सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा वेरिएंट, जिसमें आपको ये पेट्रोल इंजन मिलने वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड वाला, तो उसमें आपके मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो भी आएंगे वो अकॉर्डिंगली अपने आप से 19-21 kmpl की माइलेज अक्लेम करते हैं. सो नाउ लेट्स हेड ओवर विद द फ्रंट वॉक अराउंड. तो आप देख सकते हो कितना शानदार लुक है. फर्स्टली आप इसकी ग्रिल देखिए, कितनी सुंदर दी गई है, क्रोम का यूज़, सेंटर में सुजुकी का लोगो. यू हैव दिस पियानो ब्लैक फिनिशिंग अक्रॉस द ग्रिल, तो ये भी अच्छा लगता है. नीचे नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी, उसके नीचे आपको सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट मिल जाती है, लुक को काफ़ी इन्हांस करती है. अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके 3-spoke LED DRL, जो कि आपको टॉप वेरिएंट में भी ऐसे मिलेंगे, और ये आपका इंडिकेटर में स्विच हो जाते हैं. नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको एक हैलोजन प्रोजेक्टर मिलता है इन द डेल्टा वेरिएंट. बाकी हम इस तरफ आएँ साइड में तो यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो आपको एक टोइंग हुक मिल जाएगा. अगर हम चलें इसके वाइपर्स की तरफ तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको. यहाँ पर आपको मिलते हैं नॉर्मल वाइपर्स जो आपके ब्लेड वाले होते हैं. दिस डजंट गेट द एरो ट्विन वाइपर्स. साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो मैं आपकी डायमेंशन सारी स्क्रीन पर लिख देता हूँ. यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm की. टायर्स पर आएँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 21560R17 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स. तो ये एक अच्छी बात है, आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलने वाले हैं. ऊपर फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ORVM पे. चंकी सा ORVM है, काइंड ऑफ लुक सिमिलर टू अ स्विफ्ट, बट अच्छा लगता है. यहाँ पर आपको रिक्वर्स सेंसर मिलने वाला है डेल्टा वेरिएंट में ही, जो कि रिक्वर्स सेंसर पैसेंजर की तरफ भी मिलने वाला है. रूफ़ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको. ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है फ्रॉम मारुति कि अपना इस वेरिएंट में उन्होंने दे दिया. यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट दी गई है टू एक्सेंचुएट द लुक्स. बाकी हम चलते हैं अब रेयर प्रोफाइल की तरफ, जो कि पर्सनली मैं कह सकता हूँ कि शायद सबकी फेवरेट होने वाली है. तो आप देख लीजिए एक बार कि कितनी सुंदर लगती है पीछे से. सबसे पहले सुजुकी का लोगो, ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिल जाएगी नंबर प्लेट की जगह. ये LED टेल लैंप्स मिलते हैं आपको, जो टॉप एंड में मिलते हैं सेम वही हैं. यहाँ पर आपका रिवर्स इंडिकेटर एंड द फॉग लैम्प, तो ये आपको एज इट इज़ मिलते हैं टॉप एंड वाले. स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग. नीचे की तरफ देखें तो आपको स्किड प्लेट मिलती है विद रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो. और साथ ही साथ इसमें आपको एक कैमरा भी मिलने वाला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे फीचर प्रोवाइड किया गया है. तो अब चलिए इसका बूट एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है. तो यहाँ पर इसका कुछ बूट इस तरीके का मिलने वाला है आपको, काफ़ी अच्छा खासा बूट है इसमें. तो बात करें यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे मिल जाती है जो कोई एडजस्टेबल है. नीचे बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है 373 लीटर्स की बूट स्पेस, और साइड में कवी होल्स भी हैं. यहाँ पर आपका बूट लैम्प दिया गया है. यहाँ पर फ्लैट बूट है तो आपको इनग्रेस एंड आउटग्रेस आसानी होगी. नीचे सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिलने वाला है आपको, तो ये एक अच्छी चीज़ है. 17 इंचेस का ही है बट स्पेयर व्हील है, बाकी कुछ ऐसा सच है नहीं. तो हम चलो इसको बंद कर देते हैं. मैनुअल बूट मिलता है. लुक्स के मामले में तो इस गाड़ी ने बहुत अच्छा गेम खेला है यहाँ पर. सो नाउ लेट्स हेड ओवर टू द रेयर सीट. उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फ्यूल टैंक. तो यहाँ पर सिचुएटेड है ऑफ द कैपेसिटी 45 लीटर्स.
तो अच्छा खासा फ्यूल टैंक मिल जाएगा आपको। रियर डोर से शुरू करते हैं हम यहाँ पर, तो देख लीजिए आपको इतना बड़ा डोर विंडो मिलती है यहाँ पे, ब्लैक सिल्वर्स क्रोम डोर हैंडल्स एंड ब्राउन फिनिशिंग के साथ। ये फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी, नीचे बॉटल होल्डर मिल जाएगा, तो अच्छी खासी टोन्स यूज़ की गई हैं। सीट्स की बात करें तो आपको सेंटर में आर्मरेस्ट आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स मिल जाएंगे, 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाले हैं फॉर द रेयर पैसेंजर्स, तो ये अच्छी चीज़ है। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट भी मिलने वाली है फॉर ऑल द 3 रेयर पैसेंजर्स, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब हम अंदर बैठ के बताते हैं आपको कितना लेग रूम हेड रूम नी रूम मिलने वाला है। सो फॉर मी हु इज 6'4", मैंने आगे वाली सीट भी इस वक्त अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है, तो मेरे पास अभी भी जस्ट अबाउट एडिक्वेट लेग रूम नी रूम है। हेड रूम की मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी पर डेल्टा वेरिएंट में। बाकी यहाँ पर आपको इसके लैंप मिल जाते हैं और एक हैंडल मिल जाता है टू होल्ड ऑन टू, ये देख लीजिए। तो उधर भी सब कुछ सेम है। सेंटर में आए यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाएंगे विद ब्लोअर कंट्रोल्स, और नीचे टाइप ए टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिलने वाले हैं आपको। दिस इज़ द टाइप ए एंड द अदर इज़ द टाइप सी, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको पीछे मिल जाते हैं चार्जिंग पोर्ट्स। और इसका फ्रंट कैबिन की बात करें कुछ इस तरीके का लेआउट है, काफ़ी क्लासी सा रखा गया है, तो इसकी बात भी करेंगे हम जब आगे जाएंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वीडियो जो कि होने वाला है सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो इस गाड़ी की अभी सेफ्टी रेटिंग्स तो नहीं आई हैं बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट की मैं बात करूं तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स मिल जाएंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड कंट्रेंट्स, आपको डे टू नाइट IRVM मिलेगा जो कि मैनुअली एडजस्टेबल होगा, इंजन इमोबिलाइजर, वार्निंग लैम्प, स्पीड वार्निंग, और भी कई सारे फीचर्स मिलेंगे, मैंने आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी डाल दिए होंगे वो भी। और हम बात करें इसके साथ साथ आपको कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर अब डिस्प्ले कर देता हूं। तो इतना कुछ आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, बस सेफ्टी रेटिंग्स की देरी है, उसमें भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपको ये 4 स्टार से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लाएगी क्योंकि काफ़ी हैवी फील होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये गाड़ी ना क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट में एंटर हुई है मारुति की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी एक मतलब उनको टक्कर देने वाली है। फ्रंट डोर की बात करें तो वही सिल्वर क्रोम डोर हैंडल सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, दिस इज़ द ब्राउन फिनिश, यहाँ फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपके सारे पावर विंडो के स्विचेस, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, यहाँ पर आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इधर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाएंगे। बाकी हम इस तरफ आए सीट पे, तो सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है यहाँ पे आपको डेल्टा वेरिएंट से ही, साथ ही साथ अब यहाँ देखो हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट दे दिया, बताओ आपको इस वेरिएंट में और क्या चाहिए। नीचे आपके बोनट ओपनर और फ्यूल लिड ओपनर के लीवर्स हैं। अब हम अंदर बैठ के आपको बताते हैं कि आपको और क्या क्या मिलने वाला है। सो अंदर बैठते हैं पहले, काफ़ी अच्छा इनग्रेस है, आउटग्रेस है, सीटिंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये देख सकते हो MID पे आपको ये भी दिखाएगा कि आपको कौन सा पर्टिकुलर डोर बंद है या खुला हुआ है, तो वो भी आपको एक वार्निंग की तरह दिखा देगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है। फिलहाल मेरे पास कीज़ तो नहीं है तो मैं आपको उतना नहीं दिखा पाऊँगा, तो स्टेयरिंग से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेयर स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के, और इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में, तो ये अच्छी चीज़ मानी जाती है, काफ़ी अच्छा क्रिस्प एंड क्लियर आपको डायल्स मिल जाएंगे, तो वो भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ स्टेयरिंग पर आपको ब्लूटूथ वॉइस कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बाकी स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ है आपको हर वेरिएंट में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है। बस यही कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि आपको क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट में इसको एक किलर क्वीन बनाने वाले हैं। तो आप देखना, आप सेंटर में इंफोटेनमेंट के नीचे हजार्ड लाइट्स, AC वेंट्स के कंट्रोल्स, AC के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट अलॉन्ग विद द USB अटैचमेंट फॉर योर एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो मैनुअल गियर बॉक्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी ट्विन कप होल्डर्स के साथ कीज प्लेसमेंट की जगह, एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है विद सम स्टोरेज इनसाइड, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ग्लव बॉक्स की बात करें, डिसेंट साइज और अच्छा ग्लव बॉक्स है यहाँ पे, ब्राउन मैट फिनिश, सिल्वर एक्सेंट्स, देन हार्ड प्लास्टिक्स ऑन द डैशबोर्ड, डे टू नाइट IRVM जो कि मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कैबिन लैम्प मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा फॉर द पैसेंजर। और ड्राइवर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको ड्राइवर को भी मिलने वाला है एक वैनिटी मिरर, अच्छी बात है ये भी। तो फीचर्स के मामले में तो काफ़ी अच्छे से गाड़ी को सजा के रखा हुआ है मारुति ने, तो वेरिएंट वाइज भी ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी गाड़ी बनने वाली है, इस सेगमेंट को काफ़ी अच्छे से रूल भी करने वाली है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें ना, तो अगर टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ भी देख लो या ईयर देख लो, तो उसमें से 5 से 6 कार्स मारुति की ही होती हैं।
तो अब ये गाड़ी के आने के बाद तो एक और गाड़ी का एडिशन होने वाला है। सो चलिए अब हम अपना वीडियो को एंडिंग की तरफ आ गए हैं ना, तो हम आपसे बस एक लास्ट में इतना शेयर कर देता हूँ कि इसमें कितने वेरिएंट्स आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या आपका प्राइसिंग हो सकती है। तो बता देता हूँ ये गाड़ी के अंदर आपको ऑलमोस्ट 10 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली आते तो 4 वेरिएंट ही हैं जैसे बाकी गाड़ियों में देखा है हमने मारुति की, तो वो होते हैं जैसे कि आपका सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा। तो ये चारों वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलने ही वाला है। अब बचे 3 वेरिएंट जो कि हैं डेल्टा, जीटा और अल्फा, उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अब जो अल्फा ट्रांसमिशन है उसमें आपको एक 4x4 ऑल ग्रिप का ऑप्शन भी मिलने वाला है, तो वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो वो हो गया इसका 8th वेरिएंट। अब बचे 2 वेरिएंट, तो वो है इसके जीटा प्लस वेरिएंट और अल्फा प्लस वेरिएंट, जो कि होने वाले हैं द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ। तो क्योंकि ये सारे वेरिएंट जो पहले बताए थे इसमें स्मार्ट हाइब्रिड तो है कि माइल्ड हाइब्रिड है, बट जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होंगे उसमें फ़र्क ये होगा कि वो कॉस्टली भी होंगे सबसे ज़्यादा, और उसमें आपको बैटरी मिलती है तो उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अराउंड 28 km/h की अक्लेम कर रही है कंपनी। सो इस तरीके का वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन था इस गाड़ी का। बाकी जिस सेगमेंट में ये लैंड हुई है तो ये बहुत अच्छी एक कंपेटिटर बनने वाली है, इनफैक्ट अब शायद इसकी मोनोपोली भी चल सकती है। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसमें तो यही रहेगा कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाई है मारुति ने, जो कि वर्थ योर एवरी पेनी है। तो अब आपको जो करना है वो ये है कि आपको शोरूम में जाके इस गाड़ी को ज़रूर टेस्ट ड्राइव के लिए अगर आप सोच रहे हो तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि इज़ इट द राइट कार फॉर यू। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय। Hi guys, so here I'm dropping the link to my recent upload, so do give it a watch and make sure you like and subscribe. Here is the link to the Instagram account, so do give me a follow for the latest updates. And here I'm dropping the link to my channel, so you can subscribe to it as well. So thank you so much for watching guys, I'll see you in the next one, till then take care.